हेलो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे सी बी एस ई क्लास टेंथ इकोनॉमिक्स चैप्टर टू सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एम सी क्यूज पार्ट फोर ये हमारे सेकेंड चैप्टर का पार्ट फोर है तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इज द मोटिव ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इज टू प्राइवेट सेक्टर का मोटिव क्या रहता है ऑप्शन आर रेंडर सर्विसेज मैक्सीमाइज प्रॉफिट्स मिनिमाइज प्रॉफिट्स एंड सप्लाई लेबर तो हमारा राइट right आंसर है मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स ये तो आप सभी को पता होगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज नरेगा वॉज इम्प्लीमेंटेड इन डैश डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया इन टू थाउजेंड फाइव अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि नरेगा जो है टू थाउजेंड फाइव में इम्प्लीमेंट किया गया इसके बाद इसका नाम बदल के मनरेगा कर किया गया बट अभी आपने बताना है कि टू थाउजेंड फाइव में ये कितने डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट किया गया था हमारे ऑप्शन है टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड वन फिफ्टी और हंड्रेड तो हमारा राइट right आंसर है 200 नरेगा जो है 2005 में 200 हंड्रेड डिस्क्रिप्ट में इम्प्लीमेंट किया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर इज़ अ रैपिड ग्रोथ ऑफ द टर्शरी सेक्टर इंडिया बिकॉज जो टर्शरी सेक्टर है हमारा सर्विस सेक्टर है जो उसकी इंडिया में जो है ग्रोथ बहुत ज़्यादा जल्दी तेजी से हो रही है रैपिडली हो रही है किस वजह से उसका क्या रीज़न है तो हमारे ऑप्शन हैं बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन लो लिटरेसी रेट पॉपुलेशन ग्रोथ और द डिवेलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स तो हमारा राइट आंसर है टर्शरी सेक्टर की ग्रोथ बहुत रैपिडली हो रही है बिकॉज ऑफ द डिवेलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू दर अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स इज नेसेरी फॉर बोथ जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हैं उनके जो वर्कर्स हैं उनके लिए प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट किस चीज़ों के लिए नेसेसरी है तो हमारे ऑप्शंस हैं रूरल एंड अर्बन एरियाज़ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट थर्ड सोशल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड लास्ट इज इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट तो हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर्स हैं उनकी प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट सपोर्ट जो है किस चीज़ के लिए ज़रूरी है उनके इकोनॉमिक एंड सोशल डिवेलपमेंट के लिए ज़रूरी है तो हमारा करेक्ट आंसर है डी नेक्स्ट इज इन विच ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मोर पीपल आर एम्प्लॉयड देन रिक्वायर्ड कौन सी तरह की अनएम्प्लॉयमेंट में जो है लोग जितने रिक्वायर्ड होते हैं जितने लोग चाहिए होते हैं पर उससे ज़्यादा ही इम्प्लॉयड रहते हैं वो कौन सी तरह की अनएम्प्लॉयमेंट है तो हमारे ऑप्शन हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट सीजन के अकॉर्डिंग जो होते हैं डिस्काइज्ड, एजुकेटेड और अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट तो जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है डिस्काइज एम्प्लॉयमेंट इज़ द राइट आंसर डिस्काइज एम्प्लॉयमेंट क्या होता है जहाँ हमें कम लोगों की ज़रूरत होती है पर वहाँ पे ज़्यादा लोग काम कर रहे होते हैं फॉर एग्जांपल किसी के खेती बाड़ी है किसी के घर में तो घर के सभी लोग सभी बेटे एक उसी खेत के लिए चल जाते हैं जबकि वहाँ पर एक या दो लोगों से काम चल जाता है वो लोग पाँच लोग घर के उसी काम को करते हैं तो वो हो गई डिस्काइज अनएम्प्लॉयमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ मोर एम्प्लॉयमेंट कैन बी जनरेटेड बाई ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट की जा सकती है तो ऑप्शन हैं डैम्स एंड कैनाल कंस्ट्रक्शन इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर नेक्स्ट प्रमोटिंग द इंडस्ट्रीज एंड टर्शरी सेक्टर एक्टिविटीज एंड लास्ट इज इन सभी से तो इसका आंसर तो यही रहेगा कि अगर हम ये सभी हमारे पास तो जितने भी ऑप्शन हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की वो सारे ही अच्छे हैं तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी इन अ डिवेलप्ड कंट्री अगर हम किसी कंट्री डिवेल्प्ड कंट्री की बात करें तो इनमें से कौन सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर होगा जो इकोनॉमिक डिवेलपमेंट में हेल्प करता है तो हमारे ऑप्शन हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एंड ऑर्गेनाइज तो हमारा राइट right आंसर है टर्शरी सेक्टर हमने पहले भी एक क्वेश्चन पढ़ा है कि सबसे ज़्यादा किसी भी कंट्री के डिवेलपमेंट में कौन से सेक्टर का रेशो आता है टर्शरी सेक्टर का नेक्स्ट इज वॉट डू वी गेट वेन वी एड द टोटल आउटपुट ऑफ ऑल दीज सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी जब भी हम हर सारे सेक्टर्स की इकोनॉमी जब हम कैलकुलेट करते हैं तो टोटल आउटपुट जो आता है उसे हम क्या बोलते हैं तो ये तो आपको पता ही है इसे हम क्या बोलते हैं फिर भी हम ऑप्शन देखते हैं जी डी पी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जी एन पी ग्रॉस नेट प्रोडक्ट नेशनल प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट तो इसका राइट right आंसर है जी डी जब भी हम किसी भी सेक्टर की तीनों सेक्टर्स की जब हम टोटल जो है आउटपुट कैलकुलेट करते हैं तो जो हमारे पास वैल्यू निकल के आती है वो होती है हमारी जी डी पी क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नेट फिगर्स ऑफ अ कंट्री आर बेस्ड ऑन डेटा कलेक्टेड फ्रॉम फाइव ईयरली सर्वे ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट दिस इज कंडक्टेड बाय अब इसका मतलब है कि जब भी हम लोग किसी भी uh, कंट्री का फाइव ईयरली जो सर्वे होता है वो करते हैं जिसमें हम आ, क्या निकालते हैं इम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट जो हम जितने भी लोग हैं उनका जो हम फिगर्स निकालते हैं तो वो जो सर्वे है वो कौन कंडक्ट करता है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन वो कंडक्ट करती है तो हमारे ऑप्शन हैं एन एस एस ओ नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन नरेगा टू थाउजेंड फाइव आई एल ओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड सेंसस ऑफ इंडिया तो अभी जहाँ भी आपको कुछ ये चीज़ याद रखनी है एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है तो वो सारी चीज़ें कौन करता है हमारा नरेगा 2005 में जो इम्प्लीमेंट हुआ था तो ये सारे के सारे एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो हमारा दिखता है नरेगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज डॉक्टर इज एन एग्जाम्पल ऑफ ये पूछ रहे हैं डॉक्टर किस चीज़ का एग्जाम्पल है कौन से सेक्टर का है तो हमारे ऑप्शन हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर प्राइमरी सेक्टर अनऑर्गेनाइज सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर अभी जब हमने पढ़ा है तो हमने ये पढ़ा है कि डॉक्टर जो है सर्विस सेक्टर का एम्प्लॉय रहेगा सर्विस सेक्टर से रिलेटेड रहेगा बट हमारे पास तो यहाँ सर्विस सेक्टर का ऑप्शन ही नहीं है तो इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग डॉक्टर इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर नेक्स्ट इज बिस्किट्स फॉर अ कंज्यूमर इन द मार्केट इज किसी भी कंज्यूमर के लिए जो बिस्किट है वो क्या है फाइनल गुड है इंटरमीडिएट गुड है प्राइमरी गुड है या सर्विसेज है वो तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है बिस्किट्स जो है हमारा फाइनल गुड्स के अंडर आता है नेक्स्ट इज अंडर विच सेक्टर डज द गवर्मेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द एसेट्स एंड प्रोवाइड सर्विसेज टू कौन सा ऐसा सेक्टर है जहाँ पे गवर्मेंट आपने मेन चीज़ देखनी है क्या आ रही है जहाँ पे गवर्मेंट जो है ज़्यादा से ज़्यादा एसेट्स ओन करती है और सर्विसेज प्रोवाइड करती है जहाँ गवर्नमेंट की बात आई वहाँ आंखें बंद करके क्या चीज़ करनी है पब्लिक सेक्टर जहाँ भी गवर्नमेंट की बात आई पब्लिक सेक्टर इज द राइट आंसर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइवेट सेक्टर इज आल्सो नोन एज सॉरी प्राइमरी सेक्टर इज आल्सो नोन एज प्राइमरी सेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं सर्विस सेक्टर इंडस्ट्रियल सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर या इनमें से कोई भी नहीं तो ये भी आप सभी को आता ही होगा इतने सारे क्वेश्चंस किए हैं हमने प्राइमरी सेक्टर को हम बोलते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर हाँ जी तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द वर्किंग पीपल आर इम्प्लॉयड इन द सर्विस सेक्टर सर्विस सेक्टर में बहुत सारे जो लोग हैं वो उनको रोजगार मिला होता है दिस इज़ द जनरल पैटर्न ऑब्जर्व इन डैश कंट्रीज़ ये जो जनरल पैटर्न है आपको कैसी कंट्रीज़ में मिलेगा जो कंट्रीज़ अंडर डिवेलप्ड होंगी डिवेलप्ड होंगी या डिवेलपिंग होंगी तो इसका राइट right आंसर आपको पता है मैंने पीछे भी बताया कि जो डिवेलप्ड कंट्रीज होती हैं उनका जो भी इकोनॉमिक उनका गेन होता है वो सारा टर्शरी सेक्टर यानी कि सर्विस सेक्टर से होता है तो इसका मतलब यहाँ हमारे सर्विस सेक्टर की बात ही है की गई है कि ज़्यादातर वर्किंग पीपल सर्विस सेक्टर में है तो ये कौन सी कंट्री में होगा डिवेलप्ड कंट्रीज जो डिवेलप हो चुके हैं नेक्स्ट इज़ प्लेस ऑफ द वर्क वेयर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर एंड देयर फॉर पीपल हैव एश्योर्ड वर्क वो क्या कौन सी ऐसी जगह है जहाँ एम्प्लॉयमेंट भी रेगुलर रहेगी मींस आपको कोई निकाल नहीं सकता एंड पीपल हैव ए शॉर्ट वर्क और उनको हमेशा पूरी लाइफ टाइम के लिए वर्क मिलेगा ही प्राइवेट सेक्टर में ऐसा होता है बिल्कुल भी नहीं आप थोड़ा सा काम इधर उधर करके देखो ये आप उनके टारगेट्स अचीव नहीं करोगे तो वो लोग क्या करेंगे आपको बाहर निकाल देंगे उसके बाद पब्लिक सेक्टर है अनऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड में तो वैसे ही नहीं पता चलता कि हमारी कोई सिक्योरिटी है ही नहीं तो हमारा राइट right आंसर है पब्लिक सेक्टर पब्लिक सेक्टर मीन्स गवर्नमेंट जॉब जैसी हैं जहाँ आप एक बार घुस गए तो उसके बाद आपको पूरी लाइफ टाइम के लिए ए शॉर्ट वर्क मिलेगा सॉरी नेक्स्ट इज फिलिंग द ब्लैंक्स हमने फिलिंग द ब्लैंक्स करने हैं जहाँ हमें दो ऑप्शन दिए गए हैं तो फर्स्ट है एम्प्लॉयमेंट इन द सर्विस सेक्टर डैश इंक्रीज टू द सेम एक्सटेंट एज प्रोडक्शन क्या ऐसा है कि जो इम्प्लॉयमेंट सर्विस सेक्टर में है वो प्रोडक्शन से इंक्रीज हो गया है सेम एक्सटेंट में क्या है या नहीं तो हमारे पास दो ऑप्शन है हैज़ और हैज़ नॉट तो हम पहला लेके देखते हैं कि क्या एम्प्लॉयमेंट जो सर्विस सेक्टर में जितने लोग इम्प्लॉयड हैं जो रोज़गार मिलता है क्या वो प्रोडक्शन जैसे जैसे बढ़ जैसे बढ़ता है उसी हिसाब से बढ़ता है तो इसका आंसर सही है नो no. इम्प्लॉयमेंट इन द सर्विस सेक्टर हैज़ नॉट इंक्रीज टू द सेम एक्सटेंट एज प्रोडक्शन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन फिशिंग पॉट्री ये सारे चीज़ों में जितने भी रोजगार मिले हुए हैं या जितने भी इम्प्लॉयज़ हैं हमारे सर्विस सेक्टर में उतने इम्प्लॉयज नहीं हैं तो यहाँ ऑप्शन हमारा आंसर क्या हैज़ नॉट नेक्स्ट इज वर्कर्स इन द डैश सेक्टर डू नॉट प्रोड्यूस गुड्स कौन से ऐसा सेक्टर है जिसमें वर्कर्स प्रोड्यूस यानी प्रोडक्शन का काम नहीं करते तो वो कौन सा है टर्चरी और एग्रीकल्चर में से टर्चरी क्योंकि प्रोडक्शन का काम हमारा सारा चलता है एग्रीकल्चर में और टर्चरी कौन सा है सर्विस एरिया जिसमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड एक्सट्रेक्सर ये सब आता है नेक्स्ट इज अ डैश प्रोपोर्शन ऑफ लेबरर्स इन इंडिया आर वर्किंग इन द अनऑर्गनाइज सेक्टर कितना प्रोपोर्शन है लेबरर का ज़्यादा या कम जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं जैसे डेली वेजेस हो गए ये सब चीज़ों में तो हमारी लार्ज प्रोपोर्शन जो हमारा लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ लेबर है इंडिया में वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयड है तो इसका राइट right आंसर है लार्ज हमारी ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं उसके बाद हम इसी चैप्टर के एम के पार्ट फाइव में जल्दी ही मिलते हैं तो तब तक आप ये सब बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए थैंक यू वेरी मच